मोहाली के पिंड कुरड़ी च कोरोना का कहर है। पिंड कुरड़ी च कोरोना के 58 नवे पॉजिटिव केस आए सामने, प्रशासन होया अलर्ट। पिंड कुरड़ी च प्रभावित इलाकों नूं कंटेनमेंट जोन ऐलाना गया। सेहत विभाग समय समय से प्रभावित व्यक्तियों का करेगा चैकअप। जरूरी वस्तां सप्लाई करने वाले व्यक्तियों नूं शनाख्ती कार्ड विखा के आन जाण दी होवेगी इजाजत। पंजाब च 24 घंटे दौरान 172 मरीजों की कोरोना ने ली जान। 5094 कोरोना पॉजिटिव केस आए सामने। एक दिन च 8527 मरीजों ने कोरोना को दी मात। एक्टिव मरीजों की गिनती 57505 ते पहुंची। कोरोना की पॉजिटिविटी दर घट के 6.18% हुई। ब्लैक फंगस के नाल नजिठण लई पंजाब सरकार ने बनाई कमेटी। माहरां ते आधारित 5 मैंबरी कमेटी का किया गया गठन। ब्लैक फंगस नूं रोकण ते इलाज लई गाइड करेगी कमेटी। दवाइयां दी खरीद लई भी सरकार दी करेगी मदद। पटियाला दे मेडिकल कॉलेज दे वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर आर एस सिबिया होणगे कमेटी दे मुखी। पंजाब दे मुख सकत्तर विनी महाजन ने ट्वीट करके दित्ती जानकारी। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बीकेयू ग्राहां नूं कीती अपील, ना लाओ पटियाला च धरना। योग गुरु बाबा रामदेव ने एलोपैथी दवाइयों के खिलाफ दिता बयान लिया वापस। कहा, मेरी टिप्पणी नाल किसी दी भावनावां नूं वज्जी सट तां मैनूं है अफसोस। केंद्रीय सेहत मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बाबा रामदेव नूं अपनी टिप्पणी वापस लैण दे लई लिखी सी चिट्ठी। एलोपैथी दवाइयों के खिलाफ टिप्पणी करन ते किरे सी बाबा रामदेव। कोरोना के वधदे प्रकोप कारण कोरोना के खात्मे के लिए लगातार अरदासां का दौर जारी। अकाली दल ते दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी वालों लोड़वंदां दी लगातार की जा रही है मदद। वड्डे पद्धर से बनाई जा रही है रसद। संयुक्त किसान मोर्चा वालों दिते मुल्क पद्धरी मुजाहरे नूं मिलिया वड्डा हुंगारा। 13 विरोधी पार्टियां ने दिता अपना समर्थन। 12 वड्डियां विरोधी पार्टियां ने किसानों नूं दिता समर्थन। सांझा बयान किया गया जारी। 26 मई नूं किसान मुल्क पद्धरी करनगे प्रदर्शन। 26 मई नूं किसान अंदोलन के 6 महीने होने जा रहे हैं पूरे। केंद्र के 3 खेतीबाड़ी कानूनों के विरुद्ध जारी है किसानों का संघर्ष। अमृतसर नेड़े गलवाली पिंड च चलियां गोलियां। आपसी रंजिश कारण 2 धिरां विचाले होई भिड़ंत। टकराव दौरान 3 लोगों को वज्जियां गोलियां। एक औरत सने 3 लोग हुए जख्मी। पुलिस ने मामला दर्ज करके मुलजमान की भाल की शुरू। फिरोजपुर च BSF ते पुलिस मिली सफलता। 13 किलो हेरोइन बरामद। कुछ दिन पहला गिरफ्तार मुलजम की निशानदेही से हुई बरामदगी। अंतरराष्ट्रीय भलवान सुशील कुमार की दिल्ली तो हुई गिरफ्तारी के बाद सुशील कुमार को अदालत च किया गया पेश। पुलिस ने मौके तो बरामद सबूतों के आधार पर सुशील कुमार के बाल 12 दिन के रिमांड की की मांग। अदालत ने 6 दिन के रिमांड से भेजा। नूरपुर बेदी के पिंड नलटोही हेठली च 58 बकरियां चोरी होने का आया मामला सामने।